इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे डिजर्टिफिकेशन को। डिजर्टिफिकेशन को हिंदी में बोला जाता है मरुस्थलीकरण। ये आजकल की एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा दुनिया जो है परेशान है, क्योंकि जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और दुनिया को अपने चपेट में ले रहा है। तो चलिए समझते हैं डिजर्टिफिकेशन क्या है, हिंदी में बोलते हैं मरुस्थलीकरण। तो देखिए, जब एक उपजाऊ जमीन, जब एक फर्टाइल लैंड डिजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है, इसी प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है मरुस्थलीकरण। मतलब व्हेन ए फर्टाइल लैंड कन्वर्ट इनटू डिजर्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। एक्चुअली इट इज अ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। ये डिग्रेडेशन होता है लैंड का, इसमें उपजाऊ एक जमीन बदलने लगता है मरुस्थल के रूप में, रेगिस्तान में तब्दील होने लगता है। यही होता है डिजर्टिफिकेशन। और आजकल जो है ये समस्या जो है पूरी दुनिया में जो है ना छाई हुई है, पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। हाँ, एक चीज और देखिए, इसमें क्या होता है ना, फर्टाइल लैंड जो होता है वो डिजर्ट में कन्वर्ट होता है। ये आप मत समझिएगा कि कोई कोई डिजर्ट हो और उस डिजर्ट में जो है एक्सटेंशन हो रहा है, अगर उसमें विस्तार हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिजर्टिफिकेशन। नहीं, जब फर्टाइल लैंड जो है ना, उपजाऊ जमीन जो है डिजर्ट में कन्वर्ट होता है, रेगिस्तान में मरुस्थल में कन्वर्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मरुस्थलीकरण बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लोग समझेंगे कि इसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण हम लोग देखेंगे इसका होता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन, आजकल जनसंख्या इतना बढ़ रहा है कि खेती बाड़ी खत्म हो रहा है, साथ में घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या ब्रिज बनाने के लिए, या इंडस्ट्रियों को सेटअप करने के लिए, बहुत सारे कामों के लिए जंगलों की कटाई करी जा रही है। और ये क्या है, एक सबसे बड़ी समस्या है डिजर्टिफिकेशन का। पेड़ पौधे गायब हो रहे हैं तो डिजर्टिफिकेशन तो होगा ही, क्योंकि देखिए अगर पेड़ पौधे हैं तो बारिश होता है, और पेड़ पौधे हैं तभी ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन तो आप समझ रहे होंगे, यानी जो पेड़ पौधे के अंदर जो पानी का मात्रा होता है उसके भाप बन के निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो उससे जो है बादल वगैरह बनता है, बादल बनता है, और ये पेड़ जो है उसी बादल को अट्रैक्ट भी करते हैं, जिसके वजह से बारिश होती है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर बारिश भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है डिजर्टिफिकेशन का। इसके साथ साथ देखिए, खेती बाड़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन्योर के जगह पर फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मिट्टी की फर्टिलिटी को हमेशा हमेश के लिए गायब कर रहा है। तो ये भी क्या है, तो डिजर्टिफिकेशन का कारण माना जाता है। और इसके साथ साथ देखिए, इम्प्रॉपर जो मैनेजमेंट है डिस्पोजल का, यानी फैक्ट्रियों का जो डिस्चार्ज होता है, जो डिस्पोजल होता है, उसका भी कोई प्रॉपर हमारे यहाँ जो व्यवस्था नहीं है। असल में उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उस केमिकल्स को अच्छे खासे जमीन में डिस्पोज कर दिया जाता है, और वो अच्छा खासा जमीन क्या हो जाता है, अपनी फर्टिलिटी को खो देता है, जिसके वजह से डिजर्टिफिकेशन में विस्तार देखने को मिल रहा है, एक्सटेंशन इसमें जो है बढ़ते जा रहा है, फैलाव जो है बढ़ते जा रहा है। तो ये सब क्या है, मेन रीजन है डिजर्टिफिकेशन के। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में इस धरती पर हरा भरा जो है ना खेत खलिहान और हरा भरा जंगल देखने के बजाय हर जगह रेत दिखेगा, रेत ही रेत दिखेगा, और रेत दिखेगा तो समझिए कि दुनिया भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मरुस्थल में कितना परेशानी होता है, कुछ नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे कुछ नहीं मिलेंगे, हम लोग फसल भी नहीं उगा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, यानी पूरा दुनिया जो है ना खत्म के कगार पर आ जाएगा। तो ये क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा भाई, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। छोटी से छोटी नॉलेज, बड़ी से बड़ी नॉलेज इस चैनल पे दिया जाता है और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, आपका पैसा थोड़ी लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो इस चैनल पर इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।